ये नॉर्थ इंडिया में बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेयर ब्रीड है मोस्टली लोग सोचते हैं इनको देख के शायद ये ब्लैक शेफर्ड है आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए ब्लेसिंग्स के लिए आपके टाइम के लिए और जो आप हमें अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट मैसेजेस भेजते हैं उस सब चीज़ के लिए हमारी फैमिली और बड़ी होती जा रही है आपकी ब्लैसिंग से साइं की दया से आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ नई डॉग ब्रीड लेके आया हूँ ऑफकोर्स इट इज़ वन ऑफ द रेरेस्ट ब्रीड एंड दिस ब्रीड इज बेलजन शेफर्ड्स ये जो ब्रीड है स्पेशलिटी है इसकी जो वो सब चीज़ बताऊँगा इस ब्रीड के बारे में टोटल आपको गाइड करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा थैंक यू सो मच ये मेरे पास में ब्लैक कलर का बेल्जियन शेफर्ड है एंड शी इज अ गर्ल इसका नाम बेला है बहुत ही प्यारी बच्ची है ये ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर की है और ये हमने रखी हुई है और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये जो इसकी और जर्मन शेफर्ड में डिफरेंस जो है मैं वो भी डिफरेंस बताऊंगा आपको मोस्टली लोग सोचते हैं इनको देख के कि शायद ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है बट अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो जर्मन शेफर्ड्स का जो हेड है वो ब्रॉड रहता है फेस जो है नोज़ जो है वो थोड़ा हैवी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस ब्रीड इसका जो नोज है वो पॉइंटेड रहेगा एरो शेप में रहेगा उसके अलावा हेड जो है वो छोटा रहता है जो बॉडी वेट है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 फाइव के जी तक जाता है फीमेल्स का और अगर हम मेल की बात करें तो मेल का 25 से 30 के जी तक जाता है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन केयर इट डिपेंड्स अप हाउ वी ग्रूम दैम हमने उनको कैसे पाला है कैसे केयर किया है साइज बहुत बड़ा नहीं जाएगा कॉम्पैक्ट साइज़ है बहुत प्यारी ब्रीड है इसमें पॉइंट क्लियर करता हूँ जो बेल्जियन शेफर्ड है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्लैक कलर में आता है वो सिर्फ ब्लैक कलर में नहीं आता इसमें दो कलर आते हैं लेकिन फोर स्टैंडर्ड्स आते हैं एक लॉन्ग कोट आएगा ब्लैक कलर में जो मेरे पास में है गुड कॉल गुड गोल्ड गुड कल एक लॉन्ग कोट आएगा ब्लैक कलर में जो मेरे पास में में है है इसके अलावा एक फॉन कलर आता स्मूथ जिसमें छोटे बाल रहेंगे शॉर्ट हेयर एक फॉन कलर में आएगा लॉन्ग हेयर इसी के तरह का एक फॉन कलर में आएगा वाइड हेयर जिसमें बाल जो है वो थोड़े से करली रहेंगे या वेवी बाल रहेंगे उस तरह का भी आता है लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं 12 से पंद्रह साल इनका लाइफ स्पैन रहता है वर्किंग ग्रुप के डॉग हैं बहुत एक्टिव ब्रीड होती है बहुत ज़्यादा बॉडी वेट नहीं आता फुल ऑफ एनर्जी ये बेल्जियम के जो है ये वहाँ के लोकल शेफर्ड डॉग्स हैं इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है ना ना मेरे बच्चे ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है हाई एनर्जी डॉग इनको वॉक पे लेके जाना चाहते हैं शिकार सिखाना चाहते हैं घर की प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे रखना चाहते हैं वॉश डॉग के तौर पे रखना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन कीप दिस ब्रीड जर्मन शेफर्ड की और इसकी एक और जो डिफरेंस है वो ये इनकी जो टेल है दैट इज कम्पेटिवली शॉर्ट इसकी टेल शॉर्ट रहेगी जर्मन शेफर्ड के जर्मन शेफर्ड का एंगुलेशन ज्यादा बनेगा प्लस उसकी जो टेल है वो नीचे टच करती है काफी ज्यादा जैसे आपने देखे होंगे जर्मन शेफर्ड्स फुल ब्लैक कलर में अगर जर्मन शेफर्ड होगा जो डिफरेंस है वो साइज़ का लेंथ का हाइट का हर चीज़ का डिफरेंस आएगा इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 22 23 ट्वेंटी फ़ीमेल की शोल्डर हाइट जाती है और अगर हम मेल की बात करें तो 25 26 इंच तक मेल की जो शोल्डर हाइट जाती है बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करेगा मेल भी जैसे मैंने आपको बताया मस्कुलर डॉग होते हैं लेकिन जो मसल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहेंगे बिकॉज जैसे इसके जो बाल हैं वो बड़े लंबे हैं तो बा, लंबे बालों में आप उस चीज़ को नहीं हाँ हाँ बच्चे हाँ बड़े लंबे बालों में आप उस चीज़ को ढूंढ नहीं सकते फैमिली में रखना है तो बहुत अच्छा है परिवार में रखना है बच्चों के साथ में बहुत अच्छा है वॉच डॉग गार्ड डॉग दोनों परपज -पर सॉल्व कर सकते हैं डिपेंड करता है हमने उन्हें कैसे रखा और कैसे केयर किया कैसे ग्रूम किया ये नॉर्थ इंडिया में बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेयर ब्रीड है साउथ में शायद कहीं पे आपको मिल जाए बट फ्यूचर में हम जब इसे ब्रीड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अनाउंस हर लेटर कि इसने बेबीज दिए हैं अगर तब आपको आप में से किसी को चाहिए होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा ये बेल्जियम शेफर्ड था अब किस दिन बेल्जियम मेलेनाइ के साथ में भी वीडियो बनाऊंगा डालूंगा आपके साथ में आपको बताऊंगा कि वो क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्या स्पेशलिटीज हैं वर्किंग ग्रुप के डॉग हैं इनकी सूंघने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ इनकी स्निफिंग की भी पावर भी बहुत अच्छी होती है सुपर डॉग है सुपर दे लव प्लेइंग दे लव इंजॉयंग फैमिली विद फैमिली लविंग है अफेक्शनेट है इंटेलिजेंट डॉग है बहुत इंटेलिजेंट इनको पता है कि इनकी क्या रिस्पॉसिबिलिटी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर योर ब्लेसिंग्स ये जो छोटा सा वीडियो बनाया है छुटकी सी सुंदर सी लड़की के साथ में ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी एक अच्छा सा वीडियो आप मिस ना करें अगर बेल का बटन नहीं ऑन किया तो उसे भी ऑन कीजिए थैंक यू सो मच साइन दिया करेंगे मुझ पे आप पे हमारे पैट्स पे Love you all.